आज हम बनाएंगे मैगी नूडल्स पिज्जा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना में आप लोग का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मैगी को बॉईल करेंगे। कढ़ाई में हमने पानी लिया है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मैगी को बॉईल करेंगे। हम 4 पैकेट का बना रहे हैं। 2-3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे इसमें। ये हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हमने इस तरह का एक जाली बर्तन लिया है, इसी में हम मैगी को निकालेंगे। आपके पास जो भी हो आप उसमें निकाल सकते हैं। हम सारी मैगी को निकाल लेंगे कि पानी इसका अच्छे से निकल जाए। मैगी हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम सब्जी को देख लेते हैं। सब्जियों में हमने लिया है शिमला मिर्च, इसको बारीक काट लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद की और भी कोई सब्जियां यहाँ पे डाल सकते हैं। और पनीर भी हमने यूज किया है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक तवा लिया है, तवा हमारा काफ़ी बड़ा है। आप चाहें तो छोटे तवे पे भी बना सकते हैं, जो हम लोग रोटी बनाते हैं नॉर्मल तवा इस तरह का ले सकते हैं, या तो आप नॉन स्टिक तवा भी यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा तवे पे बटर लगाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा ही लगाना है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हम बटर को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। मैगी को हम लोग थोड़ा धुल देंगे, जिससे इसमें चिपचिपाहट होती है ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से तवा को हमने पहले गर्म किया था बटर लगाने के लिए, फिर हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम मैगी से एक बेस बनाएंगे इस तरह से। बेस बना लेंगे तभी हम गैस को ऑन करेंगे। मैगी को अच्छी तरह से गोल में फैला दिया है, आप देख सकते हैं। हमने 2-3 चम्मच मैदा लिया है, इसमें हम पानी डाल के एक हमें घोल तैयार करना है पतला। घोल हमारा तैयार हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। हमने गैस को ऑन कर लिया है, तवा हमारा थोड़ा सा हीट हो जाए। अब घोल को हम इस पे फैलाएंगे। हमने गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखना है, तेज एकदम नहीं करना है। अब इस घोल को हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। घोल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि मैगी हमारी अच्छे से बाइंड हो सके। हमने मैदे के घोल को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिया है। अब इसमें हम टोमेटो सॉस लगाएंगे ऊपर से। आप यहाँ पे पिज्जा सॉस या सेजवान भी लगा सकते हैं, जो भी हो। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए टोमेटो सॉस लगा रहे हैं। सॉस को हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। हमने सॉस को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिया है। अब हम सब्जियों को इस पर फैला देंगे। शिमला मिर्च, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप डालना चाहे तो डालें, जो स्किप कर सकते हैं। पनीर भी डाल देंगे। देखिए देखने में कितना कलरफुल लग रहा है।
अगर पिज्ज़ा खाने का मन हो, ना बेस लाने का झंझट, ना आटा सानने का झंझट, फटाफट आप मैगी से पिज्ज़ा बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का सा ही डालना है, हमने मैदे में भी थोड़ा सा नमक डाला था। ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, और इस पे हम चीज डाल देंगे ढेर सारा। आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसे हम किसी गहरे बर्तन से ढक देंगे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से तवे को हम गोल में घुमा देंगे कि चारों तरफ से पिज्जा हमारा पक जाए, या तो बीच में रहेगा तो जलने का डर रहेगा, एक ही जगह आँच लगेगा, तो इस तरह से हमें घुमा देना है। हम पिज्जा को चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए हमारा चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और हम इसको साइड से देख लेते हैं मैगी हमारा नीचे से पका है कि नहीं। देखिए अच्छे से ये उठ जा रहा है मैगी। अब इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि मैगी नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। हमारा पिज्जा तैयार है, अब इसे हम एक प्लेट पे सर्व कर लेंगे। हमारा नूडल्स पिज्जा तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।